बीजापुर हमले पर एबीपी न्यूज से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। असम से चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर लौट रहे हैं अमित शाह। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद। मुठभेड़ के बाद से 32 जवान घायल हुए, 9 नक्सली ढेर। लापता 21 जवानों को ढूंढने के लिए एक और बटालियन भेजी गई। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन पर गए थे डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान। झीरम हमले के मास्टरमाइंड हिडमा के गांव जोनागुड़ा में करीब 5 घंटे चली मुठभेड़। बीजापुर के तर्रेम के जंगल में हुई थी मुठभेड़। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ में 10 दिन के भीतर दूसरा बड़ा नक्सली हमला। इससे पहले 23 मार्च को नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने किया था हमला, 5 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा, देश वीर जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा, घायल जवानों जल्द ठीक होने की कामना उन्होंने की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासत का सुपर संडे। पश्चिम बंगाल के तीसरे और असम के आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। हुगली में ममता बोली, मोदी और अमित शाह आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। हावड़ा में ममता बनर्जी का किसानों पर दाव, बोली, किसानों की समस्याओं को घर घर जाकर सुलझाएंगे। ममता ने कहा, हम किसानों को 10,000 रुपए देंगे। चुनाव से पहले टीएमसी ने झोंकी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने 24 परगना में किया प्रचार। पश्चिम बंगाल में योगी का धुआंधार प्रचार। आरामबाग में ममता पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले, बंगाल में जीत के बाद टीएमसी के गुंडों को सही जगह पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल के नानूर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा बवाल। टीएमसी ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बम फेंका। बीजेपी बोली, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई। ममता बनर्जी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा, ममता के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। दीदी ने नंदीग्राम में मतदान के दौरान लगाया था धांधली का आरोप। कोलकाता में प्रचार के लिए पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा करने के बाद बोले, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए गांव के 80 परिवारों ने दी जमीन। जमीन देने वालों में 50 मुस्लिम परिवार भी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार, बोले, बंगाल और असम में बनेगी बीजेपी की सरकार। नंदीग्राम से ममता की हार तय है, दूसरी सीट तलाश कर रही हैं दीदी। टीएमसी के डेरिक ओब्रायन का बीजेपी पर निशाना, बोले, पर्यटक गिरोह कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी और शाह के बाद अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी प्रचार का आज आखिरी दिन। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140, तमिलनाडु की सभी 234 और पुदुचेरी की सभी 30 सीटों पर मतदान। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी। राहुल ने तिरुनेल्ली मंदिर में पूजा भी की। खाना खाते समय राहुल ने बच्चों से फोन पर प्रियंका गांधी की बात कराई। पुदुचेरी के सियासी समर में पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा ने 6 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार किया। मोदी के बाद तमिलनाडु में अमित शाह का जोरदार प्रचार। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में विकास यात्रा। एमजीआर, जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बनाएंगे। असम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज गृहमंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित।
अब्दुल रहीम अजमल के बयान पर वीएचपी प्रवक्ता का पलटवार, विनोद बंसल ने अजमल के बयान को जिहादी मानसिकता करार दिया। असम के मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को राहत, चुनाव आयोग ने प्रचार पर बैन की मियाद 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे की। चुनाव के फैसले पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा आखिर किस दबाव में चुनाव आयोग ने धमकी देने वाले बीजेपी नेता के बैन को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे किया। केरल में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में अमित शाह ने की रैली, कहा राहुल टूरिस्ट पॉलिटिशियन है, अमेठी की तरह वायनाड में भी कोई काम नहीं करेंगे। केरल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगाएंगे जोर, 4 चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी महासचिव तरुण चुघ बोले राहुल के लिए जब केरल में कांग्रेस की जीत होती है तो चुनाव ठीक होता है, लेकिन अमेठी में हारने के बाद गलत हो जाता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले राहुल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, राहुल को इलाज की जरूरत। किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के दौरे पर पहुंचे, बोले किसान आंदोलन में गुजरात के लोग भी शामिल हैं। हरियाणा के रोहतक में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, आंदोलनकारी किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली सिरसा हाईवे जाम किया गया, टोल नाके पर भी रास्ता रोका गया। किसान आंदोलन पर जारी है सियासी दलों की राजनीति, आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल हरियाणा के जींद में किसान महापंचायत में शामिल हुए। कोरोना पर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया, कोरोना पर काबू पाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 93,000 से ज्यादा नए केस आए, साल में पहली बार एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू, एक दिन में करीब 50,000 नए केस सामने आए, 277 लोगों की गई जान, मुंबई में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में परीक्षाओं पर कोरोना की मार, पहली से 8वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द, बिना एग्जाम के अगली कक्षा में प्रमोट होंगे छात्र, महाराष्ट्र सरकार ने दिया आदेश। मुंबई में लॉकडाउन की खबरों से व्यापारी, बोले अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो बर्बाद हो जाएगा पूरा धंधा, सरकार पर पिछले लॉकडाउन में मदद नहीं करने के आरोप भी लगाए। बॉलीवुड ने महाराष्ट्र सरकार से लॉकडाउन ना लगाने की अपील की, सीएम उद्धव ठाकरे के साथ आज कई बड़े फिल्मी निर्माताओं ने बैठक की। पुणे में नाइट कर्फ्यू शुरू, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक, 7 दिनों के लिए रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में भी कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के करीब 3600 नए केस मिले, 10 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस 12,500 के पार। कोरोना केस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास में कोरोना के ज्यादा केस मिल रहे हैं। गुजरात में बढ़ते कोरोना की वजह से सरकार का फैसला, कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का ऐलान, राज्य की कोर कमेटी ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते कोरोना को लेकर सचेत करने के लिए विशेष दस्ता तैनात, लोगों से लाउडस्पीकर के जरिए सावधानी बरतने की अपील, राज्य में 11 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का ऐलान। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते नवीन पटनायक सरकार का फैसला, 10 शहरों में कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। एमपी के रतलाम में एक अस्पताल पर चला प्रशासन का चाबुक, बिना सरकारी इजाजत के अस्पताल में चल रहा था कोरोना मरीज का इलाज। आईपीएल शुरू होने से पहले टीम दिल्ली कैपिटल्स को झटका, ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, ओम बिरला ने ट्वीट कर जानकारी दी।
यूपी में बढ़ते कोरोना को लेकर ज्यादा वैक्सीनेशन पर सरकार का जोर, राज्य में फोकस टेस्टिंग की तर्ज पर फोकस वैक्सीनेशन कराने का फैसला, 8 से 23 अप्रैल तक चलेगा अभियान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। सिसोदिया ने लोगों से कोरोना रोकथाम के नियमों के पालन की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना काल में पीएम मोदी के लिए फैसलों की तारीफ की। कहा, जब पश्चिमी देश असहाय महसूस कर रहे थे तब पीएम की अगुवाई में 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला भारत सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ रहा था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी ने की गरीबों की मदद। जवानों ने गरीब परिवारों को सैनिटाइजर, मास्क समेत पूरी कोरोना किट दान की। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मामलों के बाद भी लोगों की लापरवाही जारी। गाजीपुर मंडी से आई तस्वीरें, सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ दिखी। मुख्तार अंसारी को यूपी में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के इंतजाम करने को कहा। बाहुबली मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। बाराबंकी के एसपी के निर्देश पर बनाई गई 3 स्पेशल टीमें। मऊ में बीजेपी नेता अलका राय से पूछताछ करेगी बाराबंकी पुलिस। ईएनबीए अवार्ड में एबीपी नेटवर्क की मची धूम। एबीपी न्यूज समेत पूरे नेटवर्क को मिले कुल 32 अवार्ड। ईएनबीए अवार्ड्स में एबीपी न्यूज का बजा डंका। बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड मिला। संपादक सुमित अवस्थी को बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला। मातृभूमि के लिए एबीपी न्यूज को मिला बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड। मनोज मुकुल, रश्मि और एंकर शोभना यादव समेत पूरी टीम को सर्वश्रेष्ठ शो के लिए सम्मानित किया गया। एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ को बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम हिंदी का गोल्ड अवार्ड। घंटी बजाओ को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम हिंदी चीन का चक्रव्यूह के लिए भी अवार्ड मिला। फेक न्यूज के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम को सराहा गया। ईएनबीए अवार्ड्स में एबीपी न्यूज के शो सच्चाई के सेंसेक्स को फैक्ट चेक कैटेगरी में मिला सर्वश्रेष्ठ सम्मान। एबीपी न्यूज की सीरीज अयोध्या वो 40 दिन को बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का अवार्ड। शिखर समागम को बेस्ट टॉक शो का अवार्ड। हरियाणा शराब कांड की जगविंदर पटियाल की कवरेज के लिए एबीपी को बेस्ट न्यूज कवरेज नेशनल और रेत माफिया के खिलाफ लगातार कवरेज के लिए रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत को मिला ईएनबीए अवार्ड। यूपी के हाथरस कांड की कवरेज के लिए बेस्ट न्यूज कवरेज और बेस्ट वीडियो कवरेज के लिए एबीपी को मिला अवार्ड। हाथरस कांड की बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग के लिए प्रतिमा मिश्रा और बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए मनोज अधिकारी सम्मानित। अमेरिका में पराली शो के लिए बेस्ट न्यूज कवरेज इंटरनेशनल और सामाजिक मुद्दों पर शो परिवर्तन को बेस्ट कवरेज एबीपी को मिला ईएनबीए अवार्ड। एबीपी न्यूज के शो नमस्ते भारत को बेस्ट ब्रेकफास्ट शो और सास बहू और साजिश को बेस्ट कवरेज एंटरटेनमेंट को ईएनबीए अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एबीपी न्यूज को बिहार ओपिनियन पोल के लिए गोल्ड, दिल्ली चुनाव के लिए सिल्वर और राम मंदिर मॉडल के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमले के विरोध में आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ था। एंटीलिया केस में वाजे के साथ होटल ट्राइडेंट में दिखी मिस्ट्री गर्ल निकली मीना जॉर्ज। एनआईए ने मीना और वाजे के ज्वाइंट अकाउंट का भी पता चला। वाजे की गिरफ्तारी के बाद खाते से निकाले गए 26 लाख रुपए।
एंटीलिया मनसुख केस में फंसे सचिन वाजे की एनआईए रिमांड 7 अप्रैल तक बढ़ी। दिल की बीमारी को लेकर वाजे ने इलाज की इजाजत मांगी थी। सचिन वाजे का एनकाउंटर प्लान सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पहले विस्फोटक से भरी गाड़ी एंटीलिया के सामने खड़ी करने और फिर गाड़ी खड़ी करने वाले का फर्जी एनकाउंटर करने का प्लान था। एनआईए ने सचिन वाजे की सफेद रंग की एक और मर्सिडीज कार बरामद की। गिरफ्तार मीना जॉर्ज की निशानदेही पर कार बरामद। एंटीलिया साजिश में कार के इस्तेमाल की जांच कर रही है एनआईए। यूपी के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के रामपुर में शादी के मौके पर टूटे कोरोना के नियम। डांस कर आयोजन पर लगाई भीड़ नजर आई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। यूपी के सोनभद्र में थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा। 2 बॉयलर फटने से 20 से ज्यादा मजदूर घायल। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। बिहार के कैमूर में सैंड माफियाओं का साथ देने वाले पुलिस के अधिकारियों पर गिरी गाज। मैजिस्ट्रेट एसआई समेत 4 होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। बीच बाजार में दुकान के अंदर से 1 लाख रुपए लूटकर भागे 2 बाइक सवार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा। बिहार में सुशासन बाबू के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कटिहार में आरजेडी नेता निर्मल बबुना को घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। मौके पर हुई मौत। बिहार के मधुबनी में होली के दिन खूनी संघर्ष पर नीतीश सरकार के मंत्री बोले, 5 लोगों की मौत नरसंहार है। पुलिस के निकम्मेपन की वजह से हुई घटना। दिल्ली पुलिस की द्वारका में बदमाशों से मुठभेड़। नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में फ्रिज ठीक करने आए युवक की काली करतूत। अकेली महिला को देखकर दुष्कर्म की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर चाकुओं से हमला। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के धनबाद में आग का तांडव। झाड़ियों में लगी आग पावर हाउस तक पहुंची। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उत्तरकाशी के गंगोरी के जंगलों में लगी आग। 6 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं। लाखों की वन संपदा जलकर राख हुई। मुंबई के कराड़ में हाई वोल्टेज तार पर हाई वोल्टेज ड्रामा। तार पर लटके 2 युवकों के बीच मारपीट। एक युवक ने लात मारकर दूसरे युवक को नीचे गिराया। मौजूद भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा। स्कूल प्रबंधन पर ट्यूशन फीस जमा करने के बावजूद रिजल्ट रोकने और कोरोना काल की सालाना फीस वसूलने का आरोप लगाया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।